हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आधार कार्ड और पैन कार्ड के लिंकिंग के बारे में। आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करने की लास्ट डेट क्या है, कितनी आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, अगर आप नहीं कराते लिंकिंग तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक है या नहीं है, और आप इसको लिंक कैसे कर सकते हैं, इन सब बातों के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिंक आधार कार्ड विद द पैन कार्ड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करने की जो लास्ट डेट है वो है 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023 तक आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करा सकते हैं विद पेनल्टी ऑफ ₹1000। ठीक है, पहले इसकी लिंकिंग पर कोई पेनल्टी नहीं थी, इसकी ड्यू डेट जो है लास्ट मार्च थी, उसके बाद जून डेडलाइन लाई गई विद पेनल्टी ऑफ ₹500। बट अभी फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना लिंक नहीं किया था, तो डिपार्टमेंट ने इस डेट को बढ़ा के 31 मार्च 2023 कर दिया, और इसी तरीके से पेनल्टी को भी बढ़ा दिया गया, 500 से 1000 रुपीज़ कर दी गई। अब आप 1000 रुपीज़ पेनल्टी के साथ अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करा सकते हैं। 31 मार्च 2023 इज़ द लास्ट डेट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि अगर आप आधार कार्ड और पैन कार्ड को अभी भी लिंक नहीं कराते तो क्या होगा। अगर आप आधार कार्ड और पैन कार्ड को इस ड्यू डेट तक लिंक नहीं कराते तो आफ्टर दिस ड्यू डेट आपका जो पैन कार्ड है वो इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, पैन कार्ड इनएक्टिव होने से आपका होगा क्या, पैन कार्ड बिकम इनऑपरेटिव। आधार कार्ड और पैन कार्ड अगर आपका लिंक नहीं हुआ तो पैन कार्ड जो है आपका इनऑपरेटिव हो जाएगा। इनऑपरेटिव होने की वजह से आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आप TDS डिडक्ट होता है आपका तो हायर रेट से TDS डिडक्ट होगा, क्योंकि अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं होता तो उनका 20% TDS डिडक्ट होता है एज़ पर द इंडियन लॉ। ठीक है, सेकेंड थिंग, अगर आपका कोई रिफंड बनता है तो आप वो क्लेम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे। रिटर्न फाइल ना करने की वजह से जो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, जो पेनल्टी है रिटर्न नॉन फाइलिंग की 10,000 रुपीज़, वो आपके ऊपर चार्ज होगी। पैन नंबर इनऑपरेटिव होने की वजह से आप अपने बैंक के KYCs कंप्लीट नहीं कर सकते, लोन कोई अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका बैंक अकाउंट ऑलरेडी चल रहा है तो उसमें आपकी विड्रॉल और डिपॉजिट की एक लिमिट सेट हो जाएगी, क्योंकि आपका पैन कार्ड जो है इनएक्टिव होगा, इनऑपरेटिव होगा, तो आपके जो KYC नॉर्म्स हैं वो कंप्लीट नहीं माने जाएंगे। ठीक है, अदर देन दिस, पैन कार्ड और आधार कार्ड जब लिंक हो जाता है तो क्या होता है, आप पैन कार्ड और आधार कार्ड को एज अ इंटरचेंजेबिलिटी यूज़ कर पाते हैं फॉर अदर डॉक्यूमेंट्स। अगर आप अपना इसको लिंक नहीं कराएंगे तो वो इंटरचेंजेबिलिटी का ऑप्शन भी आपके पास ख़त्म हो जाएगा। फ्यूचर में जो भी ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसमें पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है, पैन नंबर चाहिए होता है, वो आप रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इसीलिए ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि आप 31 मार्च तक अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करा लीजिए। अदरवाइज़ पैन कार्ड अगर इनऑपरेटिव हो गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं सब लोगों को फेस करनी पड़ सकती हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक है या नहीं है। मैं एक जनरल पर्सन हूँ, मेरे पास जो है आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, मैं अपनी रिटर्न बहुत पहले से भरता आ रहा हूँ। बट मुझे ये अगर पता करना हो कि मेरा पैन कार्ड और आधार कार्ड आपस में लिंक है या नहीं है, तो वो हम कैसे पता लगा सकते हैं, उसके लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आधार पैन के लिंक स्टेटस को चेक करने के लिए आपको क्या करना है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है। ये हमारी इनकम टैक्स की वेबसाइट है, इसके होम पेज पर ही लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा लिंक आधार स्टेटस, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो है कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे डिमांड की जाएंगी। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर एंटर करना है, आधार नंबर एंटर करना है। ये दोनों इन्फॉर्मेशन जब आप दे देंगे तो आपका ये वाला व्यू लिंक आधार स्टेटस, ये ऑप्शन जो है एक्टिव हो जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक ऑलरेडी है या नहीं है। अगर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं है तो उसको लिंक करने का भी बहुत ही इजी प्रोसेस है। यहाँ पे हम दो तरीके से अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं ऑनलाइन। एक तो आप अपने इनकम टैक्स के लॉगिन में जाके अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं, बट उस केस में आपके पास आपका ID और पासवर्ड होना चाहिए। सो मोस्ट ऑफ द पर्सन को उनका पासवर्ड नहीं पता होता, तो हम बिना लॉगिन करे भी अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक कर सकते हैं। तो अब हम उस ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि
उस ऑप्शन को हर कोई अवेल कर सकता है, उसमें पासवर्ड और आईडी की आपको ज़रूरत नहीं होती। तो उसके लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लेफ्ट साइड पे ही आपका ऑप्शन है लिंक आधार। उस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको इसमें अपनी कुछ क्लिक करने के बाद आपसे आपका पैन नंबर और आधार नंबर मांगा जाएगा। आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड डालना है, देन वैलिडेट पे क्लिक करना है। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद वो आपसे जो है अब एक विंडो पॉपअप होगी कि आपको 1000 रुपीज़ की पेनल्टी पे करनी है बिफोर लिंकिंग आधार कार्ड और पैन कार्ड। तो अब जो है आपको वो 1000 रुपीज़ की पेमेंट करने के लिए वहाँ से कंटिन्यू बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू बटन को प्रेस करेंगे आपके सामने एक ऐसी स्क्रीन ओपन होकर आएगी। वहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है, अगेन पैन नंबर डालना है। यहाँ पे पैन नंबर उस पर्सन का डालना है जिसका आप आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करने वाले हो, जिस पैन नंबर पे मुझे पेनल्टी की पेमेंट करनी है, ठीक है। तो उनका पैन नंबर डालना है आपको 2 times और मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आप कोई भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं है इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप डालो। मोबाइल नंबर डालने के बाद जब आप कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू करने पर एक OTP आएगा। OTP आपको उसके अंदर फीड करना है। OTP डालने के बाद आपको पेमेंट ऑप्शन दिखाई देने लगेंगे। OTP डालने के बाद आपको जो है असेसमेंट ईयर पेमेंट ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे इनकम टैक्स की आपको पेमेंट करनी है या STT की पेमेंट करनी है या अदर पेमेंट करनी है, तो उस केस में आपको क्या करना है, इनकम टैक्स पे क्लिक करके असेसमेंट ईयर अपना सिलेक्ट करना है और टाइप ऑफ पेमेंट में आपको जो है अदर रिसिप्ट में क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा 500 कोड को आपको सिलेक्ट करना है, देन कंटिन्यू। जैसे ही आप कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे तो पेमेंट का पूरा शेड्यूल आपके पास आएगा। यहाँ पर ऑटो फिटेड आपकी 1000 रुपीज़ की पेनल्टी आ रही है, आपको अमाउंट डालने की ज़रूरत नहीं है, देन कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास बैंक्स के ऑप्शन होंगे कि कौन से बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं। जो भी आपका रिस्पेक्टिव बैंक है जिसकी आपके पास नेट बैंकिंग है, आप उस पर क्लिक करके आगे पेमेंट प्रोसीड कर सकते हैं। पेमेंट प्रोसीड करने के बाद आपको उस बैंक के पास रूट कर दिया जाएगा। उस बैंक के पास रूट करने के बाद आपको अपना ID पासवर्ड डालना है और अपनी पेमेंट को कंप्लीट करना है। जब आपको लगे कि आपकी पेमेंट कंप्लीट हो गई है, सक्सेसफुली आपकी पेमेंट हो गई है, तो सक्सेसफुली पेमेंट होने के बाद एक्चुअली 1-2 दिन का टाइम लगता है पेमेंट को अपडेट होने में। अगर आपकी पेमेंट अपडेट हो जाती है तो दोबारा आपको अपने इनकम टैक्स की वेबसाइट के होम पेज पे जाना है और उसी ऑप्शन पे जाना है लिंक आधार पे। जैसे ही आप लिंक आधार पे जाके अपना पैन नंबर और आधार नंबर डालोगे तो आपका पैन नंबर और आधार नंबर सक्सेसफुली लिंक हो जाएगा। अगर आपकी पेमेंट जो है सक्सेसफुली प्रोसेस हो गई है, तो अगर आपको अभी भी पेमेंट का एरर दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपकी पेमेंट जो है अभी बैकएंड से प्रोसेस नहीं हुई है। आपको थोड़ा और टाइम लगेगा, आप और 2-3 घंटे बाद या 1-2 दिन बाद ट्राई करेंगे तो ये चीज़ आपकी प्रोसेस हो जाएगी। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस कि किस तरीके से आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं और अगर आप लिंक नहीं करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आप जो है फेस कर सकते हैं पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक ना करने की वजह से। सो, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।